नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल वे टू सक्सेस पर। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 2020 में आने वाली आपके सभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिनके अंदर सभी टाइप की क्लरिकल वैकेंसीज भी इंक्लूड की गई है और स्टेट लेवल पर आने वाली सभी डिफेंस लेवल की वैकेंसीज भी इनके अंदर इंक्लूड है। फ्रेंड्स, ये सभी वैकेंसीज मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एकदम सुटेबल वैकेंसीज रहने वाली है। फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों की डिमांड थी। कुछ लोग पूछते हैं कि यूपी के अंदर आने वाली सभी वैकेंसीज के बारे में बताइए, कुछ लोग राजस्थान की वैकेंसी के बारे में पूछते हैं, कुछ मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, बिहार। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया जाए जिसमें ऑलमोस्ट आपके सभी वो स्टेट कवर किए जाएं जिसके अंदर मोस्टली गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी सबसे ज्यादा मात्रा में आती है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और मेरे हिसाब से तो आपके लिए ये जानना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है कि 2020 में आपके स्टेट के अंदर कौन सी जबरदस्त गवर्नमेंट वैकेंसी आने वाली है जिसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करके उसमें फाइनल सिलेक्शन भी ले सके। और यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, किसी भी एक प्रॉपर स्टेट की वैकेंसी के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात भी है। तो वीडियो फ्रेंड्स आप आखिर तक जरूर देखना। उससे पहले बता दूं, हमेशा की तरह अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं उस स्टेट की सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी हर साल आती है, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश। और मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट उत्तर प्रदेश के अंदर ही होंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसी नंबर फर्स्ट आती है यूपी हाई कोर्ट वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट, जो कि हर साल आती है। इसके अंदर आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी होती है जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होती है। साथ ही ग्रुप डी में आपकी स्वीपर, प्योन, वाटर करियर या फिर आपके और भी काफी सारी अटेंडेंट वगैरह की वैकेंसी आती है। ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर के लिए आपको कोई भी बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको 12 पास होना चाहिए। एज लिमिट आपकी इसमें 18 टू 40 ईयर होती है। लास्ट ये वैकेंसी जनवरी 2019 में आई थी। अब ये वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है मार्च, अप्रैल, मई के अंदर। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है तो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। उत्तर प्रदेश की सेकंड वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट, यानी कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए आपने 12 पास किया हो, साथ ही 18 से 40 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। वैकेंसी आपकी लगभग मई या फिर जून तक 100% आ जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसकी वैकेंसी नहीं आई थी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। वैकेंसी नंबर थर्ड है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर लेखपाल की लगभग 6000 वैकेंसी आपकी आने वाली है। ये वैकेंसी लास्ट ईयर आई थी लेकिन वैकेंसी किसी कारण की वजह से पोस्टपोन हो गई है। अब ये वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू निकाली जाएगी, जिसमें आपको केवल 12 पास होना चाहिए, 18 से 40 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आने की पूरी पूरी उम्मीद है अप्रैल मंथ में कि वैकेंसी आ जाएंगी, तो आप वेट करिए और अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से जारी रखिए। नंबर फोर्थ पर आती है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की 5623 वैकेंसी, जो कि काफी दिन पहले ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी। ये वैकेंसी आपकी मार्च, अप्रैल, मई, इन तीनों में से किसी भी मंथ के अंदर 100% आ जाएगी, क्योंकि काफी दिन पहले ये वैकेंसी अनाउंस हो चुकी थी। किसी कारण के वजह से वैकेंसी थोड़ी सी डिले हो गई। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसी नंबर फाइव है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी, जिसके लिए 18 से 28 साल एज लिमिट मांगी जाती है। साथ ही आपने 12 पास किया हो और 12 के साथ साथ कंप्यूटर कोई भी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या फिर आपने बीसीए या फिर डीसीए वगैरह किया हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। ये वैकेंसी पहले हर साल जरूर आती थी लेकिन 1.5-2 साल से ये वैकेंसी डिले चल रही है, क्योंकि इससे प्रीवियस वैकेंसी का जो एग्जाम है वो 2 बार री एग्जाम हो चुका है। तो ये वैकेंसी 2020 में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। नंबर 6 पर आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की 50,000 वैकेंसी, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं और वेट करे भी क्यों ना, क्योंकि इस वैकेंसी की अनाउंसमेंट काफी दिन पहले हो चुकी थी और वैकेंसी आपकी जरूर निकलेगी, क्योंकि यूपी के सीएम ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट की हुई है कि 1.5 लाख वैकेंसी कंप्लीट करनी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। 2 वैकेंसी आपकी निकल चुकी है, ये वैकेंसी आपकी 2020 में आएगी लेकिन ये मिड 2020 के आसपास आपकी आएगी, क्योंकि अभी प्रीवियस वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। प्रीवियस वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद आपकी नई वैकेंसी निकाली जाएगी। वैसे भी यूपी जेल वार्डर का भी एग्जाम होना बाकी है, वो भी आपका 2020 मिड तक ही होगा, तो आप थोड़ा सा वेट और करिए।
नंबर 7 पर आती है उत्तर प्रदेश कंबाइंड लोअर सबोर्डिनेट सर्विस, जिसके अंदर आपकी सहायक चकबंदी और साथ ही आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है। इसमें एज लिमिट 18-40 ईयर मांगी जाती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी हर साल जरूर आती है, 2020 में ये जुलाई या फिर अगस्त के मंथ तक आ जाएगी। तो बड़े लेवल की वैकेंसी है, इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए। वैकेंसी नंबर 8 था यूपीपीसीएल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अंदर आपके स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। इसमें एज लिमिट आपकी 21-40 ईयर होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी आपकी लगभग अगस्त से अक्टूबर के मंथ के बीच में आएगी, हर साल जरूर आती है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। वैकेंसी नंबर 9 है यूपी ट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट, जो कि हर साल आती है। एज लिमिट 18-40 साल मांगी जाती है। अगर आपने 12th पास किया है, साथ ही आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हर साल आती है। यह वैकेंसी लगभग आपकी सेप्टेंबर अक्टूबर या फिर नवंबर मंथ के आसपास आएगी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेट की वैकेंसीज के बारे में, जो कि हमारा दिल्ली। वैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटोरी है, लेकिन दिल्ली के अंदर हर साल बहुत ही सारी डिफरेंट वैकेंसीज निकलती रहती है। तो दिल्ली के अंदर वैकेंसी फर्स्ट आती है दिल्ली हाईकोर्ट जूनियर जुडिशियली असिस्टेंट, जो कि एक क्लर्क लेवल की वैकेंसी है, जिसके लिए 18-27 साल एज लिमिट होती है। अगर आपने बैचलर डिग्री पास किया तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है 11 मार्च, इसके फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। वैकेंसी नंबर सेकंड है DDC दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर आपके जूनियर जुडिशियरी असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और भी आपकी PA वगैरह की वैकेंसी निकलती है, जिसमें अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों वैकेंसी आपकी बहुत ही फास्ट चलती हैं, तो आपका इसमें सिलेक्शन होने के जल्दी चांसेस होते हैं, तो आप इसलिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी नंबर 3 है दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 4000 वैकेंसी, जिसके बारे में आपको काफी बार बता चुका हूं। ये वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए 18-25 साल एज लिमिट मांगी जाती है। अगर आपने 12th पास किया तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपकी मार्च, अप्रैल, मई, जून किसी भी मंथ में आ सकती है, बस आपको इसका थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। वैकेंसी नंबर 4 है DDA LDC एंड स्टेनोग्राफर, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर स्टेनोग्राफर LDC की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। 18-27 साल एज लिमिट होती है, 12th पास मांगा जाता है। ये वैकेंसी आपकी मई या फिर जून के अंदर हर साल जरूर आती है। वैकेंसी नंबर 5 है दिल्ली के अंदर DSSSB, यानी कि दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके अंदर आपकी फिलहाल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, जाके पहले फॉर्म अप्लाई करिए। और भी आपकी काफी सारी वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि LDC की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आनी बाकी है, साथ ही आपके ग्रेड 4 दास की वैकेंसी आएंगी, जिसके लिए 18-27 साल एज लिमिट मांगी जाती है, 12th पास आपको इसके लिए होना चाहिए। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही नंबर 6 पर आती है दिल्ली जल बोर्ड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट, जो कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर आपकी LDC असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर या फिर और भी आपकी टेक्निकल वैकेंसीज हर साल निकलती रहती है। एक साल में 7-6 वैकेंसी इसके अंदर निकल जाती है। एज लिमिट डिफरेंट रहती है सभी पोस्ट के लिए, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 10th, 12th और टेक्निकल ट्रेड आपसे मांगा जाता है, तो काफी अच्छी वैकेंसी निकलती है। जब भी आपकी वैकेंसी आएगी मैं आपको प्रॉपर वीडियो के साथ इन्फॉर्म करता रहूंगा। फाइनली आता है हमारा 3rd स्टेट, जो कि है बिहार। इसके अंदर फर्स्ट वैकेंसी है बिहार सचिवालय विधान परिषद वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर जूनियर क्लर्क, LDC, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है, जिनमें आपकी 12th पास मांगा जाता है, बैचलर डिग्री मांगा जाता है, और सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए आपसे 10th पास मांगा जाता है। 18-27 साल आपकी इसमें एज लिमिट मांगी जाती है। वैकेंसी हर साल आती है, वैकेंसी आपकी जुलाई और अगस्त के मंथ तक आ जाएगी। वैकेंसी नंबर 2nd है बिहार हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, जिसमें 12th पास मांगा जाता है, 18-27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, हर साल वैकेंसी आती है। इस बार ये वैकेंसी आपकी सितंबर और अक्टूबर मंथ तक आ जाएगी। वैकेंसी नंबर 3rd है BSSC स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके अंदर सेपरेटली स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है। अगर आपकी एज लिमिट 18-37 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18-40 ईयर है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, केवल 12th पास मांगा जाता है, हर साल वैकेंसी आती है। इस बार ये वैकेंसी जून या फिर जुलाई के मंथ तक 100% आ जाएगी, तो आप अपनी तैयारी रखिए। नंबर 4th पर आती है बिहार डिस्ट्रिक्ट ग्रुप डी वैकेंसी, जिसके अंदर ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, सभी पोस्ट के लिए 18-40 ईयर एज लिमिट मांगी जाती है, 10th पास क्वालिफिकेशन यहां पर मांगी जाती है। यह वैकेंसी लगभग सितंबर और अक्टूबर के मंथ में हर साल जरूर आती है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए।
नंबर 5 पर आती है बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर लगभग 10,000 और भी नई वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि कांस्टेबल की लगभग 23,000 वैकेंसी कंप्लीट करनी है बिहार के अंदर। एक वैकेंसी 2019 के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, 10,000 वैकेंसी आपकी 2020 में आएंगी। 18 से 25 साल एज लिमिट मांगी जाती है, अगर आपने 12th पास किया है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी लगभग आपकी mid-2020 में आएंगी, तो आप इसके लिए तैयारी करते रहिए। नंबर 6 पर आती है बिहार विधानसभा ग्रुप डी वैकेंसी, जिसके अंदर आपकी ऑफिस अटेंडेंट, लाइब्रेरियन, स्वीपर, क्लीनर की वैकेंसीज निकलती है। इसमें 10th पास आपसे मांगा जाता है, एज लिमिट 18 से 40 साल आपकी होनी चाहिए। ये वैकेंसी लगभग आपकी अगस्त के मंथ तक आ जाएगी, क्योंकि हर साल वैकेंसी जरूर आती है। फाइनली आता है हमारा 4th स्टेट, जो कि है हरियाणा। हरियाणा की वैकेंसी नंबर 1st है HSSC स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके थ्रू सेपरेटली स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है। एज लिमिट 17 से 42 साल मांगी जाती है, अगर आपने 12th पास किया तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर साल वैकेंसी जरूर आती है, इस बार ये जून तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, तो आप वेट करिए। सेकंड है हरियाणा पटवारी रिक्रूटमेंट, जिसके लिए एज लिमिट 17-42 ईयर मांगी जाती है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपकी 2020 में जरूर आएगी, लेकिन मैं इतना नहीं कह सकता कि ये किस मंथ में आएगी, 2020 में आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। वैकेंसी नंबर 3rd है HSSC LDC रिक्रूटमेंट, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके थ्रू लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है हर साल। एज लिमिट 17-42 ईयर मांगी जाती है, अगर आपने 12th पास किया तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपकी जुलाई या फिर अगस्त के मंथ तक आ जाएगी, लगभग 3,000 के आसपास इसमें वैकेंसी आपकी हर साल आती है। नंबर 4th पर आती है क्रू अक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी, जो कि काफी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18-50 ईयर के बीच में होनी चाहिए। ये वैकेंसी आपकी हर साल आती है, अब ये वैकेंसी आपकी जून या फिर जुलाई तक ऑनलाइन हो जाएगी। नंबर 5 पर आती है HSSC ग्रुप डी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके थ्रू सेपरेटली ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर काफी सारी वैकेंसीज निकलती हैं डिफरेंट पोस्ट के अंदर। अगर आपने यहां पर 10th पास किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 17-42 ईयर होनी चाहिए। ये वैकेंसी हर साल जरूर आती है, अब ये आपकी जून या फिर जुलाई तक आ जाएगी, तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है तो आप तैयारी अभी से जारी कर दीजिए। अब आता है हमारा 5th स्टेट, जो कि है मध्य प्रदेश। इसके अंदर वैकेंसी नंबर 1st है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर आपकी असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, पर्सनल सेक्रेटरी, साथ ही स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है। अगर आपने 12th पास किया है, साथ ही आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, जैसे कि CPCT, या फिर आपने कोई BCA या फिर DCA वगैरह किया है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 18-40 ईयर मांगी जाती है। ये वैकेंसी आपकी आने ही वाली है, मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 मंथ के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि हर साल ये वैकेंसी इन्हीं मंथ के अंदर आती है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ही 2nd वैकेंसी आती है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की, लगभग 15,000 वैकेंसी, जो कि काफी दिन पहले अनाउंस हो चुकी थी, अभी तक नहीं आई। बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का आने का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्दी आने वाली है, मार्च या फिर अप्रैल के मंथ तक आपके ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में हाल ही में अनाउंसमेंट की गई है कि जल्दी ही वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो अगर आप भी इस वैकेंसी का बेसब्री से वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा और वेट करिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि इस बार आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, काफी बड़ी वैकेंसी आपके लिए आ रही है। फाइनली आता है हमारा 6th स्टेट, जो कि है राजस्थान। राजस्थान के अंदर वैकेंसी नंबर 1st है राजस्थान हाईकोर्ट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, जिसके लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 18-40 ईयर एज लिमिट मांगी जाती है। ये वैकेंसी लगभग आपकी जुलाई या फिर अगस्त के मंथ तक आ जाएगी। वैकेंसी नंबर 2nd है RSM SSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके अंदर आपकी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती हैं। राजस्थान का बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट बोर्ड है, लगभग 12 से 13,000 वैकेंसी एक साथ निकलती हैं, जिसमें आपकी मोस्ट फेवरेबल पोस्ट होती है लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट। अगर आपने 12th पास किया है, साथ ही आपके पास CCC वगैरह या फिर कोई भी अदर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18-40 साल आपकी एज लिमिट मांगी जाती है। ये वैकेंसी आपकी आने ही वाली है, लगभग मई तक मेरे अकॉर्डिंग ये वैकेंसी आपकी आ जाएंगी, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और साथ ही आपकी इस रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फटाफट उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अगर आप होंगे।
और फाइनली आता है हमारा झारखंड स्टेट, जिसके अंदर मोस्टली JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि आपकी LDC हो गया या फिर स्टेनोग्राफर हो गया, और साथ ही जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती रहती हैं, जिसमें से कुछ पोस्ट के लिए 12th पास मांगा जाता है, किसके लिए आपके बैचलर डिग्री पास मांगा जाता है, एज लिमिट आपकी वही सेम 18-40 ईयर आसपास मांगी जाती है, और वैसे भी आपकी झारखंड पुलिस की वैकेंसीज निकलती रहती है, और साथ ही आपकी छत्तीसगढ़ की भी वैकेंसी निकलती है, जिसमें आपकी काफी सारी इसी टाइप की वैकेंसीज निकलती है। मेरे पास इन बाकी स्टेट की वैकेंसीज के बारे में ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको इन वैकेंसीज के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैंने आपको केवल 5 से 6 स्टेट की वैकेंसीज के बारे में ही बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज इन्हीं स्टेट के अंदर निकलती है, और मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट भी इन्हीं स्टेट के अंदर है। बाकी स्टेट की वैकेंसीज के बारे में ऑथेंटिक डिटेल मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। फिर भी अदर स्टेट के कैंडिडेट इन सभी स्टेट की वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सभी वैकेंसीज एकदम ओपनली वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी इनमें से किसी भी स्टेट की कोई भी वैकेंसी ऑनलाइन होगी तो आपके लिए प्रॉपर डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, इसलिए आप हमेशा फॉलो करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद। Oh, 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 oh